विडा संगठन की ओर से दिव्यांगों को जीवनावश्यक खाद्य सामग्री की किट्स का वितरण किया गया। कोरोना महामारी रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन चालू है। मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाले मजदूर, दुर्बल एवं दिव्यांग समाज वर्ग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन पर भुखमरी की नौबत आ रही है। हमेशा सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाली विजन इंटीग्रिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन विडा इस युवकों के संगठन ने लॉकडाउन के समय में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति का परिवार भूखा ना सोए, इस लक्ष्य को लेकर शेयर एंड स्माइल उपक्रम अंतर्गत इनकी भूख मिटाने हेतु जीवनावश्यक खाद्य सामग्री की किट्स का वितरण कार्य 10 अप्रैल से शुरू किया है। अमरावती जिले के आडनदी, धामनगांव गढ़ी, बिहाली, अचलपुर, अंजनगांव सुरजी, पथरोड, वड़गांव, मोर्शी, एरला, खानापुर, उदखेड़, चांदुर बाजार, रासीगांव, इन ग्रामीण भागों में रहने वाले जरूरतमंद दिव्यांगों को खोज कर उन्हें गेहूं, आटा, चावल, तुअर दाल, मटकी, जीवन आवश्यक खाद्य सामग्री की किट वितरित की है। लॉकडाउन खत्म होने तक ऐसे ही जरूरतमंद दिव्यांगों को खाद्य सामग्री के किट्स का वितरण होने वाला है, ऐसा विडा संगठन के अध्यक्ष प्रीतेश कुमार सूर्यकांत वाघमारे इन्होंने बताया। और सभी दानशूर व्यक्तियों ने दिव्यांगों को कठिन वक्त में सहकार्य करने का आह्वान भी किया है। उपक्रम के पहले चरण में सफल बनाने हेतु सैयद फरहान, एडवोकेट गजानन पाटिल, कुमारी अमिता थुकरुल, धनंजय पाटिल, संतोष वाघमारे, चरणदास पाटिल, अरविंद गावंडे, सागर ताड़े, स्वप्निल राउत, रंजन पांडरे, निखिल तट्टे, अमित चौटेलिया, नितिन जीवने, प्रतीक नन्नोरे, इनके साथ अनेक दानदाताओं ने आर्थिक एवं वस्तु रूप से मौलिक सहकार्य किया है। जीवन आवश्यक खाद्य सामग्री की किट्स तैयार करना, ग्रामीण भाग में जरूरतमंद लोगों की खोज करना और खाद्य सामग्री की किट्स वितरित करने का कार्य विडा संगठन के सभी सदस्य एडवोकेट अंकिता पाथरे, प्राची वाघमारे, जया वाघमारे व अन्य सदस्यों द्वारा किया गया है और अगले चरण में भी ये कार्य करने वाले है। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता पाथरे, शेयर एंड स्माइल उपक्रम समन्वयक विडा। कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रव्यापी ताळेबंद पाळण्यात येतोय। विलगीकरण आणि शारीरिक अंतर ठेवणे हाच या महामारीपासून बचावाचा एकमात्र उपाय आहे। या परिस्थितीमध्ये मोलमजुरी करून स्वतःची उपजीविका भागवणाऱ्या लोकांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। या बंदीच्या काळामध्ये सामाजिक दुर्बळ घटक म्हणजेच अंध, अपंग, वृद्ध हे भूकबळी ठरवू नये म्हणून समाज कार्यात नेहमी अग्रेसर असणारी विजन इंटेग्रिटी डेव्हलपमेंट असोसिएशन म्हणजेच विडा अमरावती या संस्थेने शेअर अँड स्माईल या उपक्रमाअंतर्गत गरजवंतांना खाद्यपदार्थ किट्स वाटपाचे कार्य हाती घेतलेले आहे। ग्रामीण भागात गरजवंतांना हुडकून त्यांच्या घरापर्यंत खाद्यपदार्थांची किट्स वितरणाचे कार्य सुरू आहे। या आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात गरजवंतांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून स्वतःची काळजी घेत इतरांनाही सुरक्षित ठेवण्याचे इथे मी नम्र आवाहन करते। इन बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।